सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए ले चलते हैं आपको आज कुछ खास खबरों की। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 18 से ज्यादा देशों में कोरोना ने पैर पसारे। ऐसे में कई देश चीन से लोगों को एयरलिफ्ट करा रहे हैं। भारत ने भी 647 लोगों को एयरलिफ्ट कर चीन से निकाला है। सूत्रों ने डॉक्टरों के हवाले बताया है कि चीन से आए लोगों में से 5 लोगों को सर्दी और खांसी के लक्षण दिखे। ऐसे में उन 5 लोगों को दिल्ली के सैन्य अस्पताल में भेज दिया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शाहीन बाग में 52 दिन से धरना जारी है। हाल ही में दिल्ली में हुई फायरिंग की घटना के बाद शाहीन बाग में अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। इसके मद्देनजर सोमवार शाम इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया। वहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी शाहीन बाग पहुंचे हैं। यहां पिछले 50 दिन से नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल के सभी बीजेपी सांसद आज दोपहर राष्ट्रपति से मुलाकात करके कानून व्यवस्था और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाएंगे। हाल ही में प्राइमरी स्कूल की टीचर के साथ दुर्व्यवहार की घटना का भी जिक्र होगा। बता दें कि 2 दिन पहले बंगाल के दिनाजपुर जिले में अपनी जमीन पर सड़क बनाए जाने के खिलाफ विरोध जताने वाले दो बहनों के साथ गलत व्यवहार किया गया था। इस घटना के बाद आरोप लगा कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पंचायत के नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों बहनों को पीटा। T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को धूल चटा देने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे और टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम का ऐलान किया। इस सीरीज में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा बाहर हो गए, उनकी जगह मयंक अग्रवाल को मौका मिला है। बता दें कि रोहित शर्मा आखिरी T20 में चोटिल हो गए थे और बीच मैदान से ही बाहर चले गए थे। इसी के बाद रोहित पहले वनडे टीम से बाहर हुए और अब टेस्ट टीम से भी बाहर हो गए। उनकी जगह मयंक अग्रवाल टीम में आए हैं। ऐसे में वह ये ओपनिंग करेंगे। शिखर धवन पहले से ही टीम में नहीं है। ऐसे में अब ओपनिंग का दारोमदार मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ पर रह सकता है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। उन्होंने ट्वीट करके अपने फैंस, दोस्तों और परिवार के सदस्यों का शुक्रिया अदा किया और अपने अस्पताल में एडमिट होने की वजह भी बताई। ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे प्यारे परिवार, दोस्त, जानकार और फॉलोअर्स, मेरी सेहत के बारे में आप सबकी चिंताओं से मैं अभिभूत हूँ, शुक्रिया। ऋषि कपूर ने बताया, मैं पिछले 18 दिनों से दिल्ली में शूटिंग कर रहा था और प्रदूषण की वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि मेरा न्यूट्रोफिल काउंट कम है, इसकी वजह से मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे देश और दुनिया की कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ YNN News पे। नमस्कार।